फ्रेंड्स, आज हम लोग हमारा जो जेईई का सेकंड पेपर होता है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स, उसी के मॉक टेस्ट का पार्ट 6 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले मैंने आप लोगों को 5 पार्ट में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स करवाए हैं। आज के इस पार्ट 6 में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर न्यूमेरिकल करने वाले हैं, जो कि हमारा बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। इसके ऊपर मैं आपको पहले बोल चुकी हूँ कि इस टाइप का मैंने शायद आपको एक या दो न्यूमेरिकल पहले करवाया था, और इस पर मैंने थोड़े से और भी और टाइप के अलग अलग क्वेश्चंस ऐड किए हैं, ताकि आपका जो भी थोड़ा बहुत डाउट है तो वो क्लियर हो जाए। और मैं आपको पहले बता चुकी थी ये बात कि 5 से 6 नंबर का आता है, इसमें से क्वेश्चन पूछते हैं और दो दो नंबर के क्वेश्चंस इसमें आ जाते हैं, तो उसी के ऊपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको बोला है, ऑन 1 जनवरी 2014 राकेश हैड एन ओवरड्राफ्ट ऑफ 8,000। तो राकेश का 8,000 का ओवरड्राफ्ट है एज शोन बाय हिज कैश बुक। ठीक है, कैश बुक में उसने एंट्री की है कि 8,000 ओडी ओवरड्राफ्ट है। चेक अमाउंटिंग टू ₹2,000 हैड बीन पेड इन बाय हिम बट पर नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक ऑन 1 जनवरी 2014। तो चेक 2,000 का उसने तो डिपॉजिट किया, लेकिन बैंक ने भी ट्रांसफ़र नहीं किया वो पैसा। नेक्स्ट बोला है कि उसने 800 का चेक इशू किया, और जो कि प्रेजेंट नहीं किया गया बैंक के पास पेमेंट के लिए उस दिन। एंड बैंक ने पासबुक के में से ₹60 का डेबिट किया, क्योंकि बैंक को इंटरेस्ट चार्ज करना था, और ₹100 का बैंक चार्जेस की वजह से बैंक ने डेबिट किया। तो बोल रहा है कि बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर कीजिए। ये सब सेम वही हो गया आपका, कि आपको कैश बुक बैलेंस गिवन है। कितना दिया है? 8,000 हमारे को कैश बुक बैलेंस दिया है। तो चलिए, ये भले ही मैंने आपको इस फॉर्मेट में दिखाया है, पर आपको क्वेश्चन सिंपल ऐसे रहेगा कि कैश बुक का बैलेंस 8,000 है, तो आपको बताना है कि ये गिवन आपको। ठीक है, तो दो तीन आपको अलग अलग ट्रांजेक्शन दिए कि ये जैसे कि 2,000 वाला और ये 800 वाला, ये ₹60 वाला और ₹100 वाला। तो इन ट्रांजेक्शन को बीच में आपने देखना है कहाँ ऐड होना है, कहाँ माइनस होना है, और फिर आपको फाइनली बताना है कि पासबुक बैलेंस कितना होगा, बैलेंस एज पर पासबुक। बस यही हमारा क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चन दो दो नंबर के पूछे जाते हैं, दो तीन क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे, तो ये आपको बताना है। ठीक है, तो गिवन क्या है? कैश बुक बैलेंस गिवन, और हमें बताना है पासबुक बैलेंस क्या होगा। तो ये तो मैंने आपको एक तरह से स्टेटमेंट बनाई है यहाँ पे, कि जो रिकन्सिलेशन के लिए कैसे कैसे स्टेटमेंट है, तो वो जस्ट सिंपल फॉर्मेट है। पर्टिकुलर्स हो गया, अमाउंट यहाँ पे आपका जो प्लस रहेगा और जो माइनस करना है। ठीक है, पहली एंट्री कौन सी रहेगी? जो हमें गिवन है। क्या गिवन है? कैश बुक बैलेंस का गिवन है, ओडी। एक बात आप हमेशा याद रखना, जो ओवरड्राफ्ट बैलेंस रहता है वो हमेशा नेगेटिव बैलेंस रहता है, जिसको हम अनफेवरेबल भी बोलते हैं। और बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट आपकी जो मैकमिलन की बुक है, उससे मैंने आपको ऑलरेडी करवाया चैप्टर, आपका अकाउंटिंग का जो भी चैप्टर आप देखना हो वीडियो, वहाँ मैंने इसके ऊपर आपकी बुक में जो न्यूमेरिकल है वो भी करवाया। और उसके बावजूद भी कोई डाउट है तो आप ये वीडियो भी देख सकते हैं, यहाँ भी मैं आपको काफ़ी कुछ बेसिक चीज़ें बताऊँगी। तो इसमें क्या है? ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। तो ओवरड्राफ्ट हमेशा दो टाइप के बैलेंस होते हैं, एक तो होता है फेवरेबल बैलेंस, एक होता है अनफेवरेबल बैलेंस। ठीक है, फेवरेबल बैलेंस किसको बोलते हैं? फेवरेबल बैलेंस तब होता है जब हमारी डिपॉजिट्स ज़्यादा है, किसके कंपेयर में? हमने डिपॉजिट ज़्यादा किया कंपेयर टू ड्रॉइंग, मतलब हमने पैसा ज़्यादा डिपॉजिट किया लेकिन हमने उसमें से पैसा निकाला कम है। ठीक है, हमारे अकाउंट में डिपॉजिट ज़्यादा है कंपेयर टू ड्रॉइंग। और अनफेवरेबल बैलेंस क्या है? हमारी ड्राइंग ज़्यादा, मतलब हमने जितना बैलेंस था उससे ज़्यादा हमने ड्राइंग कर रखी है। ऐसा कब होता है? ओडी के केस में यही तो होता है। बैंक आपको एक लिमिट देता है, अगर उस लिमिट से आगे आप अपनी ड्राइंग करते हो, पैसा निकालते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? ओडी तो बोलते हैं ना, ओवरड्राफ्ट। तो ओवरड्राफ्ट होता है हमारा अनफेवरेबल बैलेंस। फेवरेबल बैलेंस हमेशा पॉजिटिव रहता है, अनफेवरेबल बैलेंस रहता है नेगेटिव। कोई भी आपको फेवरेबल बैलेंस पता लगेगा, कोई अमाउंट है, तो उसके आगे आपको पॉजिटिव लगा प्लस का साइन लगाना है, और कोई भी अनफेवरेबल बैलेंस रहेगा तो आपको नेगेटिव का साइन लगाना है। ठीक है, ये बेसिक हो गया। ओवरड्राफ्ट का बैलेंस गिवन होगा, जैसे कि कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस 8,000 है, तो 8,000 के आगे हम क्या लगाएंगे? माइनस लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि ओडी हमारा अनफेवरेबल बैलेंस है। ये आपको कुछ चीज़ें हैं जो याद रखनी पड़ेंगी, ये आप याद कर लीजिए, वरना ये चैप्टर बहुत सिंपल है और कंसेप्ट इसके बहुत आसान है, कोई खास मुश्किल नहीं है ये चैप्टर। ठीक है, दिखने में आपको थोड़ा सा हार्ड लगेगा, और भले आप साइंस बैकग्राउंड के क्यों ना हो, लेकिन आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ जाएगा, क्योंकि बहुत सिंपल है और स्कोरिंग भी है बहुत इसमें से क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको बोल चुकी हूँ, दो तीन नंबर, दो तीन क्वेश्चन दो दो नंबर के आते हैं, तो 5-6 नंबर आप मान सकते हैं। तो ठीक है, 8,000 का अनफेवरेबल बैलेंस हो गया। कभी भी आपको बैलेंस के आगे ऐसे लिखा हो कि क्रेडिट बैलेंस, मान लीजिए लिखा है कि क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, या फिर क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो क्रेडिट बैलेंस आपको दिखेगा तब भी आपको नेगेटिव का साइन ही लगाना है। डेबिट बैलेंस दिखेगा तो पॉजिटिव का साइन रहेगा, ठीक है, प्लस का साइन। क्रेडिट बैलेंस तो नेगेटिव का साइन हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा बेसिक मैंने आपको बता दिया। चलो अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन। तो 8,000 का ओडी दिया है, और प्लस कोई भी चीज़ प्लस के साइन के साथ रहेगी तो उसको हम यहाँ पर लिखेंगे,
और किसी भी चीज़ के आगे माइनस का साइन लगा है तो उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है ना। इस वाले कॉलम में यहाँ पे पहले प्लस वाली एंट्री यहाँ होगी और माइनस वाली एंट्री यहाँ होगी। तो पहला पहला जो कैश बैलेंस गिवन है, पहली जो एंट्री है कि ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक जो बैलेंस दिया है तो वो कितने का है, 8,000 का है। तो ओवरड्राफ्ट आपको बोल चुकी हूँ कि वो नेगेटिव होता है, तो इसलिए 8,000 हमने यहाँ पे एंट्री की है नेगेटिव वाली जगह पे। चलिए अभी सेकंड लाइन पढ़ते हैं। चेक अमाउंटिंग टू 2,000, 2,000 का चेक हैड बीन पेड इन बाय हिम, हिम यानी ये राकेश की बात कर रहा है। तो 2,000 का चेक राकेश ने डिपॉजिट कर दिया बट पर नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक। तो कैश बुक पासबुक का मैं एक बार आपको थोड़ा सा हिंट और देती हूँ, मेरे को स्टार्टिंग में आपको बताना चाहिए था। देखिए कैश बुक क्या होता है, कोई भी पासबुक तो आप सभी लोग जानते हैं कि आप कितने बार आप पासबुक एंट्री भी करते हैं, आपके पेरेंट्स की या खुद की भी आप पासबुक, पासबुक एंट्री मतलब हमारे अकाउंट में, मान लीजिए आपका कोई सेविंग अकाउंट है, कोई करंट अकाउंट है, तो उस अकाउंट में क्या क्या ट्रांजेक्शन हुई। बैंक की जो पासबुक रहती है उसमें बैंक बताता है कि अगर मान लीजिए कोई आपका क्वार्टरली आपको कहीं से कोई इंटरेस्ट मिलता है जिस बारे में आपको याद नहीं है, लेकिन बैंक तो अपना उसका पूरा सिस्टम में सब रहता है, तो आप अपने पासबुक में एंट्री कराएंगे, आप देखेंगे कि मेरे को 100 रुपये इंटरेस्ट के तौर पर मिले, क्वार्टरली इंटरेस्ट, ठीक है। या फिर आपने मान लीजिए डिविडेंड आपका डायरेक्टली आपके अकाउंट में आता है तो डिविडेंड की एंट्री भी आपके अकाउंट में शो होगी। तो पासबुक आप सब जानते हैं कि जो भी एंट्री बैंक करता है, जो भी इन्फॉर्मेशन बैंक को रहती है आपकी ट्रांजेक्शन के रिगार्डिंग, चाहे डेबिट ट्रांजेक्शन है या आपने क्रेडिट किया है, ठीक है, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है या आपके अकाउंट से डेबिट हो रहा है, तो वो सारी एंट्री बैंक किस में करता है, पासबुक में करता है, ठीक है। ये यानी कि बैंक की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो आपके अकाउंट के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन देती है कि किस डेट पे कितने रुपए कटे हैं या किस डेट पे कितने रुपए आए हैं, वो हम सभी बैंक कर सकते। तो पासबुक बहुत सिंपल चीज़ है। कैश बुक क्या होता है, कैश बुक आप ऐसे मान सकते हैं कि वैसे हम लोग ऐसा करते नहीं, जो फर्म होती है ना, जो कंपनीज होती है वो क्या करती है, उनका तो जो बैंक अकाउंट रहता है, मान लीजिए कोई करंट अकाउंट है, तो उसकी एंट्री तो पासबुक के थ्रू उनको मिल जाती है अगर उनको जो भी उनकी एंट्री रहती है। लेकिन अगर हम बात करें कैश बुक की, तो जो कंपनी होती है ना, जो कोई फर्म होती है, हम लोग तो नहीं करते, आपने शायद ही कोई देखा होगा कि जो अपनी एंट्री किसी कॉपी में करता, कोई नहीं करता ऐसे, क्योंकि बैंक में रहता है सब हिसाब, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कुछ फर्म है जो ऐसा काम करती है, वो क्या करती है, वो अपनी कैश बुक मेंटेन रखी कि कैश बुक में जो जो एंट्रीज हुई है, कहाँ उनका पैसा गया है, कहाँ से उनको पैसा मिल रहा है, तो वो सारा बताती है कि मतलब उसका सारा का हिसाब किताब अपने पास रखती है, ठीक है। मान लो मिस्टर ए को उन्होंने 200 रुपये का चेक दिया, तो लिखेगी कि मिस्टर ए को 200 रुपये का चेक दिया, चेक इशू किया गया। मिस्टर बी ने 200 का चेक डिपॉजिट किया, तो वो लिखेगी कि 200 का चेक डिपॉजिट हुआ, ठीक है, तो वो सब देखेगी। तो उसी हिसाब से आपका, लेकिन कुछ इन्फो अब ज़रूरी नहीं है कि आपका जो मतलब आप है, आपकी फॉर्म में जो भी आपका कैश बुक मेंटेन कर रहा है जिसमें वो सारा हिसाब किताब लिख रहा है, ज़रूरी नहीं है वो डेली बैंक के कॉन्टैक्ट में। तो कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो बैंक के पास होती है और इनके पास नहीं होती, बाद में वो जो पासबुक की अपनी प्रिंटिंग कराते हैं तब वो देखते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको बता चुकी हूँ कि जैसे कि आपको इंटरेस्ट मान लीजिए क्वार्टरली आ गया, तो उसके बारे में फर्म को नहीं पता था, उन्होंने अपनी कैश बुक में एंट्री नहीं की, लेकिन पासबुक तो बैंक उसकी एंट्री करेगा क्योंकि कैश क्रेडिट हो चुका है आपके अकाउंट में, जो इंटरेस्ट है कैश जो इंटरेस्ट के तौर पे आपका था वो क्रेडिट हो चुका है, ठीक है, आपके अकाउंट में। और क्या क्या हो सकता है, और जैसे मान लीजिए डिविडेंड डायरेक्टली आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो गया, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो वो कैश बुक में वो एंट्री नहीं होगी। और भी इसके बहुत सारे, और भी कई बार आपके जो कस्टमर्स रहते हैं, जो सप्लायर्स रहते हैं, वो क्या करते हैं, डायरेक्टली आपके नाम का जो अकाउंट, आपके अकाउंट में डायरेक्टली वो कैश जमा कर देते हैं और आपको उस टाइम नहीं बताते, एक या दो दिन बाद बताते हैं। तो कुल मिला के बैंक के पास तो वो चला गया, मतलब बैंक वाला जो पासबुक में तो वो एंट्री शो करेगा लेकिन कैश बुक में नहीं शो करेगा, क्यों, क्योंकि आपको अभी उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे और भी कारण होते हैं, कई बार बैंक भी अपना चार्ज, मतलब बैंक आपको कोई सर्विस दे रहा है तो मान लीजिए कोई अपना बैंक चार्ज वो आपका डेबिट कर लेता है, मतलब तो उस केस में जो पासबुक है वहाँ पे डेबिट की एंट्री शो करेगा कि 100 रुपये बैंक ने अपना बैंक चार्ज के तौर पे डेबिट कर लिया है, लेकिन कैश बुक वाले को पता नहीं होगा कि हाँ बैंक ने चार्ज, वो तो बाद में जब पासबुक देखेगा तब उसको पता लगेगी, ठीक है। तो ऐसा करके मैं आपको 3-4 रीज़न बता चुकी हूँ कि कैश बुक का एंट्री और पासबुक की एंट्री में वेरिएशंस कब आ जाती है। ज़रूरी नहीं है कि 100% का बैलेंस मैच करता है, वो तो बाद में पासबुक देखते हैं तब पता लगता है, कई बार डिसऑनर भी हो जाता है आपका चेक, ठीक है। मान लीजिए एग्जांपल आपको एक बताती हूँ, मान लीजिए आपके किसी कस्टमर ने आपको एक चेक दिया है, ठीक है, मान लीजिए 10,000 का चेक है, तो आपने क्या किया, जैसे ही आपके पास चेक मिला आपने अपनी कैश बुक वाले में एंट्री कर दी प्लस 10,000, मतलब 10,000 चेक के आएंगे, ठीक है, आपने एंट्री कर दी। आप क्या करते हैं, बैंक में जाके वो चेक डिपॉजिट कर देते हैं, फिर आपको मालूम है एक दो दिन में आ जाएगा पैसा, अब अभी आप भूल गए, ज़्यादा आपने सोचा नहीं, फिर क्या होगा, बैंक देखेगा कि इस चेक में जो कस्टमर है उसके उसमें तो पैसा ही नहीं है, बैलेंस ही नहीं है, तो क्या होगा, तो वो क्या पासबुक में आपकी 10,000 की एंट्री कर देगा प्लस में, कि प्लस 10,000 क्रेडिट कर देगा, नहीं, वो तो डिसऑनर हो गया, ठीक है, डिसऑनर हो गया, तो उस केस में पासबुक में 10,000 की एंट्री शो नहीं करेगा, तो कैश बुक में तो प्लस 10,000 का बैलेंस शो करेगा, क्योंकि आपने जब डिपॉजिट किया तो आपको लगा कि हाँ हो जाएगा,
जनरली हम लोग ऐसा सोचते हैं कि कोई चेक मिला तो मान के चलते हैं कि हो जाएगा, तो कैश बुक में एंट्री हो जाती है, लेकिन पासबुक में नहीं होती है। इसका एक और भी उल्टा भी रीज़न हो सकता है। कई बार आप चेक इशू करते हैं, मान लीजिए आपने किसी किसी से रॉ मटेरियल ख़रीदा और आपने उसको एक चेक इशू कर दिया, ये लो 10,000 का चेक, आप ले 10,000 पैसे कैश नहीं है, आप चेक के थ्रू ले लें। 10,000 का जो आपने 10,000 का जो आपने चेक इशू किया, तो जैसे ही आपने चेक अपने रॉ मटेरियल जिससे आपने ख़रीदा उसको आपने 10,000 दिए, तो आपने अपनी कैश बुक वाले में एंट्री कर दी कि 10,000 गए, -10,000 आप लिखोगे। लेकिन वो जो जिसने आपसे रॉ मटेरियल ख़रीदा है, मान लो उसको भी अर्जेंट काम आ गया, तो उसको कहीं जाना पड़ेगा। और ये सभी जानते हैं कि चेक तो 3 महीने के लिए वैलिड रहता है, ऐसा नहीं कि आज चेक मिला आज ही जाके हम उसको मतलब बैंक में जमा कराएंगे तभी हमें पैसा मिलेगा। 3 महीने में आप कभी जा सकते हैं। तो जो रॉ मटेरियल जिसने आपको दिया उसको कोई जल्दीबाजी थी नहीं, उसको कुछ काम भी आ गया तो वो चला गया कहीं पर, ठीक है, 15 दिन 20 दिन हो गए, तो उस दौरान तो बैंक को नहीं पता ना। उस दौरान अगर बीच में आकर आप चेक करते हैं अपना बैलेंस, तो पासबुक में तो वो एंट्री नहीं शो करेगा, पासबुक में तो ज़्यादा बैलेंस शो करेगा, जो 10,000 आपके कटे हैं चेक इशू करने पर। लेकिन वो जो कस्टमर है आपका, जो सप्लायर है जिसने आपको रॉ मटेरियल सप्लाई की है, तो उसने वो जो चेक है वो डिपॉजिट नहीं कराया, कहाँ पे, बैंक में डिपॉजिट नहीं कराया। इसी वजह से बैंक ने क्या किया, आपका अकाउंट डेबिट नहीं किया 10,000 से, इसीलिए आपका पासबुक बैलेंस ज़्यादा होगा, ठीक है। ये मैंने आपको बहुत सारे 5-6 अलग अलग रीज़न बता दिए किस वजह से पासबुक का बैलेंस और कैश बुक का बैलेंस कैसे मिसमैच हो जाता है, ठीक है। उसी को सुधारने के लिए, मतलब क्या क्या कमी आ गई, तो उसी को हम क्या करते हैं, रिकन्सिलेशन। रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में सब बताया जाएगा कि कहाँ पे क्या एंट्री है, कैश बैलेंस कितना है, बाजो बैलेंस कितना है, ठीक है, वो सब हमारा रिकन्सिलेशन के थ्रू होता है। तो इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक बहुत, और बेसिक चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ। कैश बुक की इन्फॉर्मेशन सिर्फ एक फर्म का कोई भी इंप्लॉय हो सकता है जो पूरी कैश बुक मेंटेन करता है कि हाँ इतना पैसा यहाँ गया, इतना पैसा यहाँ गया। और पासबुक जो है आपके अकाउंट स्टेटमेंट रहती है, आपके अकाउंट के थ्रू, चाहे आपका करंट अकाउंट है, कोई भी अकाउंट है, उसके थ्रू जो भी ट्रांजेक्शन होगी तो बैंक उसका हिसाब रखेगा, वो होती है पासबुक, ठीक है। तो पासबुक का पूरा कंट्रोल, पूरी नॉलेज होती है बैंक के पास, और कैश बुक की नॉलेज उस अकाउंटेंट के पास, आप बोल सकते हैं, या उस फर्म का जो भी मालिक है उसके पास, ठीक है। तो ये हमारे को बेसिक चीज़ें पता लगी। अभी एक का बैलेंस देखिए, दूसरे का बैलेंस पूछते हैं, ठीक है। कैश बुक का दिया तो दूसरे का पूछें। तो देखिए, पहले स्टेटमेंट बोलिए कि चेक अमाउंटिंग टू 2,000 हैड बीन पेड इन, तो ठीक है। इसमें आपको एक और चीज़ मैं आपको और बताना चाहती थी। देखिए, प्लस कैसे पता लगेगा कहाँ पे प्लस बैलेंस होगा, कहाँ पे माइनस बैलेंस होगा, ठीक है। एक बस लाइन आप याद रखिए, आपको बहुत ईजी रहेगा समझने में। प्लस बैलेंस कब होता है, मान लीजिए आपको कैश बुक बैलेंस गिवन है। गिवन क्या है, कैश बुक बैलेंस। तो जो भी आपको कैश बैलेंस गिवन है, तो आपकी जो नज़र है, जब आप सोचेंगे किस हिसाब से, आप पासबुक के हिसाब से सोचेंगे, ठीक है। जब भी आपको कैश बुक बैलेंस दिया रहेगा, क्या गिवन है, 8,000 कैश बुक बैलेंस गिवन है, तो आपके दिमाग में, आपके ध्यान में सिर्फ पासबुक बैलेंस होना चाहिए कि पासबुक को क्या असर पड़ रहा है इस ट्रांजेक्शन से। जैसे मान लो हम ये ट्रांजेक्शन पढ़ रहे हैं, ये सेकंड लाइन जो पढ़ रहे हैं कि 2,000 वाला या 800 वाला या 60 वाला, तब आपके दिमाग में सिर्फ ये होना चाहिए कि इस ट्रांजेक्शन से क्या पासबुक को क्या फ़र्क पड़ा, पासबुक बैलेंस बढ़ा या पासबुक बैलेंस घटा। अगर उस ट्रांजेक्शन से पासबुक बैलेंस बढ़ा, ठीक है, ज़्यादा है, किससे बढ़ा, मतलब कैश बुक के कंपैरिजन में अगर पासबुक बैलेंस ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो उसकी एंट्री हम प्लस वाली साइड पर रखेंगे, ठीक है, प्लस करेंगे। और अगर उल्टा होगा, मतलब पासबुक बैलेंस उस ट्रांजेक्शन से पासबुक बैलेंस घट गया होगा, कम हो गया होगा, किसके कंपैरिजन में, कैश बुक के, या ये कह सकते हैं कि कैश बुक बैलेंस ज़्यादा है और पासबुक बैलेंस कम है, ठीक है, तो उसके इसमें माइनस करेंगे। बस आप इतना याद रखिए, ठीक है। तो जो भी आप ट्रांजेक्शन पढ़ रहे हैं, पहली चीज़ आपको दो चीज़ याद रखनी है। पहली चीज़, हम कैश बुक की जो भी हमें वैल्यू गिवन है कि कैश बुक का 8,000 है, तो हमारे दिमाग में पहली बात है कि रहना चाहिए सिर्फ पासबुक। और दूसरी बात यह है कि क्या रहना चाहिए पासबुक के रिगार्डिंग, अगर पासबुक बैलेंस बढ़ रहा है तो हम करेंगे प्लस। बढ़ना मतलब प्लस को ही दिखाता है ना, ठीक है। तो अगर पासबुक बैलेंस बढ़ रहा है इस ट्रांजेक्शन से तो प्लस, और पासबुक बैलेंस घट रहा है इस ट्रांजेक्शन से तो माइनस। बस इतना इतना आपको याद रखना है, दो चीज़ें, ठीक है। कैश बुक के अंदर दिया तो पासबुक दिमाग में रखना है, और अगर कभी पासबुक की देख के कैश बुक की पूछते हैं तो भी सेम, तब हमें पासबुक का दिया रहेगा गिवन बैलेंस, तो हमारे दिमाग में सिर्फ कैश बुक होना चाहिए। तो हमें बस ये याद रखना है कि कैश बुक बैलेंस बढ़ रहा है या घट रहा है, बढ़ रहा होगा तो प्लस, घट रहा होगा तो माइनस, ठीक है। तो अब ये एंट्री, ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए, 2,000 का चेक आपने डिपॉजिट किया है बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक। वही लिखा है कि आपने तो चेक डिपॉजिट कर दिया लेकिन बैंक ने अभी कलेक्शन के लिए नहीं भेजा उसको, ठीक है, इसी डेट पे जो 1 जनवरी 2014 की डेट दी है, मतलब आपने चेक डिपॉजिट किया। तो देखिए, जैसे ही आप बैंक में चेक डिपॉजिट करने गए, तो आपका जो अकाउंटेंट था उसने कैश बुक वाले में एंट्री कर दी होगी। क्या क्या एंट्री की होगी, कि 2,000 डिपॉजिट हो गए, मतलब जमा हो गए, है ना, कैश बैलेंस ज़्यादा, लेकिन अभी बैंक ने तो उसको क्लियरिंग के लिए भेजा ही नहीं, हो तो अभी कलेक्शन के लिए गया ही नहीं है, इसका मतलब पासबुक में वो एंट्री नहीं हुई होगी। कैश बुक में किसने एंट्री कर दी, आपके अकाउंटेंट ने, क्यों, क्योंकि 2,000 का चेक हम बैंक में डिपॉजिट करके आए, लेकिन आपके पासबुक में वो एंट्री नहीं होगी, क्यों, क्योंकि अभी तो कलेक्शन के लिए गया भी नहीं है, लिखा ना, बट वो नॉट कलेक्टेड। तो इस केस में पहली बात तो मैंने बोला कैश बुक दिया तो आपके दिमाग में सिर्फ पासबुक होना चाहिए, तो आपको बताना है कि पासबुक बैलेंस ज़्यादा होगा इस टाइम पे या कम होगा,
नॉर्मल सी बात है, कैश बैलेंस 2000 ज़्यादा होगा और पासिव बैलेंस 2000 कम होगा, क्योंकि पासिव बैलेंस को बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि 2000 रुपये भी आए, क्योंकि अभी कलेक्शन के लिए चेक नहीं गया। तो पासिव बैलेंस क्या है? कम है। ठीक है, इस केस में क्या है? पासबुक बैलेंस कम है। किसके कंपेयर में कम है? कैशबुक के कंपेरिजन में। ठीक है, इसीलिए मैंने क्या कहा था, अगर पासबुक बैलेंस कम होगा तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे ना। ठीक है, और पासबुक को ही हमने क्यों बोला? क्योंकि जब कैशबुक दिया होता है तो हमारे दिमाग में सिर्फ पासबुक रहता है। ठीक है, पासबुक बैलेंस कम है, ये कम का साइन है, तो इसलिए इसको माइनस वाली तरफ एंट्री करेंगे। ठीक है, तो 2000 की एंट्री किधर? माइनस की तरफ होगी। चलिए, ये दो एंट्री आपको समय आ गई। तीसरी लाइन पढ़ते हैं। इसमें बोला है ही इशू चेक ऑफ 800, 800 का चेक इशू किया गया विच वर नॉट प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट। तो चेक इशू किया किसने? आपकी फर्म ने चेक इशू किया। किसी ने आपसे मतलब सामान, किसी से आपने रॉ मटेरियल खरीदा होगा तो आपने उसको चेक दे दिया कि चलिए हम आपको चेक इशू कर रहे हैं, आप चेक के थ्रू बैंक से पैसा ले लेना। ठीक है, ऐसा आपने बोला है। तो आपने जब चेक इशू किया, कितने का? 800 रुपये का चेक किया। ठीक है, 800 का आपने चेक इशू किया, तो जो आपका अकाउंटेंट बैठा होगा, जो कैश बुक की पूरी एंट्री अपने कागज में लिख रहा होगा, अपनी कॉपी में, तो उसने लिखा होगा कि चेक इशू कर दिया कितने का? 800 का। तो उसने लिखा होगा कि अब तो 800 गए, यही तो लिखा होगा, क्योंकि हमने चेक इशू कर दिया। तो एंट्री तो हम अपनी अभी करेंगे, वो बात अलग है, बाद में वो जिसको हमने चेक इशू किया वो बैंक में कब जाएगा वो बात की बात है। ठीक है, उसको जब मन करेगा, जब टाइम होगा तब जाएगा, लेकिन आपकी एंट्री तो आज ही हो जाएगी क्योंकि आपने आज ही इशू कर दिया। ठीक है, लिखा है विच वर नॉट प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट अप टू दैट डेट। इसका मतलब जिसको आपने चेक इशू किया वो बैंक गया ही नहीं अभी। मैंने आपको रीज़न बताया, कुछ काम आ गया होगा और 3 महीने के लिए वैलिड है, तो उसको भी कोई अर्जेंसी नहीं थी कि मैं आज ही जाऊँ, उसको लगा 2-4 चेक एक साथ हो जाए तो मैं तब जाऊँगा। ठीक है, अभी बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ। तो इस टाइम पर आप बताइए कैश बैलेंस ज़्यादा होगा या पासबुक बैलेंस ज़्यादा होगा? कोई लिखा है कि चेक तो इशू किया गया लेकिन प्रेजेंट के लिए, पेमेंट के लिए गया ही नहीं है। तो जब आपने चेक इशू किया तो डेफिनेटली आपका बैलेंस 800 कम हो गया होगा, लेकिन पासबुक में आपकी जो एंट्री है उसमें 800 कम नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि वो बंदा अभी गया ही नहीं है बैंक में। ठीक है, जब बैंक में जाएगा तभी तो बैंक 800 डेबिट करेगा, इसीलिए इस टाइम पे जो बैंक है, बैंक में जो बैलेंस है 800 कम नहीं दिखाएगा। या ये बोलिए कि कैश बुक में तो 800 कम हो गए इस वजह से क्योंकि इशू किया, लेकिन अभी बैंक में प्रेजेंट नहीं हो तो बैंक में ऐसी कोई कमी नहीं आई है। ठीक है, बैंक में जितना बैलेंस होता ही था। तो कुल मिलाकर हम ये बोल सकते हैं कि कैश बुक बैलेंस कम हो गया। ठीक है, हम बोलेंगे कैश बुक बैलेंस क्या है? कम है पासबुक के कंपैरिजन में। लेकिन हमारी नज़र किस पे रहती है? हमारे दिमाग में सिर्फ पासबुक रहता है कि पासबुक का क्या हुआ, ज़्यादा है कम है, क्योंकि कैश बुक दिया ना, तो पासबुक क्या है? पासबुक ज़्यादा है, पासबुक बैलेंस ज़्यादा है। मतलब कुछ बड़ा नहीं है लेकिन कुछ घटा भी नहीं है, लेकिन कैश बुक के साथ क्या हुआ कि 800 घट गए, इसी वजह से वो ज़्यादा है। इसमें 800 कम रहेगा और पासबुक में 800 ज़्यादा रहेगा कंपेयर टू कैश बुक। ठीक है, अब चलिए, तो पासबुक बैलेंस ज़्यादा है, तो ज़्यादा के केस में क्या करते हैं? प्लस करते हैं, ये करते हैं ना प्लस। तो ये जो 800 है उसकी एंट्री प्लस के सामने होगी। देखिए, प्लस के सामने आपकी 800 की एंट्री होगी। चलिए, 3 लाइन हमें समय में आ गई, आगे की हम 4थी लाइन पढ़ते हैं। देयर वाज़ अ डेबिट इन हिज पासबुक, पासबुक में से डेबिट किया गया कितने का? 60 रुपये का। क्यों? फॉर इंटरेस्ट। बैंक भी तो आपसे इंटरेस्ट चार्ज करता है ना, तो बैंक ने 60 रुपये के लिए आपका जो पासबुक में डेबिट कर लिया, बैंक ने आपसे इंटरेस्ट चार्ज किया। किस बात का इंटरेस्ट? ऐसा कुछ लिखा नहीं है, पर बहुत से रीजंस हो सकते हैं। कई बार ओडी के तौर पर भी बैंक जो आपको ओवरड्राफ्ट देता है उसका भी बैंक इंटरेस्ट काट सकता है, और भी कुछ रीज़न हो सकता है। तो बोला है डेबिट किया, मतलब आपके अकाउंट को कम कर दिया गया, खाली कर दिया गया। कितने से खाली कर दिया गया? 60 रुपये से। ठीक है, पासबुक में किसने किया? बैंक ने किया, इंटरेस्ट के तौर पर 60 रुपये बैंक ने काट लिए। अभी आपने 60 रुपये बैंक ने काट लिए, तो उसका मतलब क्या हुआ? इस मतलब क्या हुआ कि मतलब ये कम होगा ज़्यादा होगा? तो जब बैंक ने 60 रुपये काटे तो डेफिनेटली बैंक को तो उस बारे में पता लग गया। तो नॉर्मल सी बात है, पासबुक बैलेंस क्या होगा? कम होगा। किसके कंपैरिजन में? कैश बुक के कंपैरिजन। और एक और बात, आप ऊपर से कंपेयर कभी मत कीजिए। जो एक लाइन है उसको पढ़ के भूल जाइए, ये मत सोचिए कि पिछले बार 800 कम था यहाँ तीसरी लाइन में, ऐसे मत सोचिए। ठीक है, हर लाइन को आप एक हर नई ट्रांजेक्शन की तरह कंपेयर करेंगे, सोचेंगे और फिर कंपेयर करेंगे। मतलब ये नहीं बोल सकते ना कि पिछली बार कैश बुक में तो 800 कम हुआ था, इस बार तो सिर्फ 60 ही कम हुआ पासबुक। आप ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते, ये बात आपको याद रखनी होगी। हर लाइन को आप एक नई एंट्री की तरह समझेंगे और फिर उस हिसाब से कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो पुरानी जो बात होगी उसको आप भूल जाएंगे। तीसरी एंट्री के टाइम पे दूसरे के बारे में नहीं सोचेंगे, दूसरे के टाइम पे पहले का तो खैर लेना ही है, वो कैश बुक तो चाहिए। ठीक है, तो हर एंट्री का अपना अलग नया से स्टार्ट होता है कंपैरिजन करने के लिए। तो बैंक ने जब 60 रुपये काट लिया आपके पास इंटरेस्ट के तौर पर, तो नॉर्मल सी बात है पासबुक में 60 रुपये की कम एंट्री शो करेगा। लेकिन अभी आपको कैश बुक में कुछ नहीं पता ऐसा, तो वो तो आप पासबुक देखेंगे तभी पता लगेगा ना। तो वो जो अकाउंटेंट है उसको उस बारे में कुछ नहीं पता, तो पासबुक बैलेंस कम है। कम मतलब क्या होता है? माइनस। ज़्यादा मतलब प्लस, कम मतलब माइनस। ठीक है, तो वही जो 60 रुपये उसकी एंट्री यहाँ माइनस किया गया होगी। चलिए, और इसके बाद आगे लाइन है एंड 100 रुपीज़ फॉर बैंक चार्जेस। बैंक अपना चार्ज के तौर पे 100 रुपये, बैंक ने कोई अपना चार्ज लगाया उसके लिए बैंक ने 100 रुपये आपसे फिर काट लिया। फिर से वही बात होगी कि जब बैंक ने 100 रुपये फिर काटे तो अगली बार हम फिर बात करेंगे, तो पासबुक बैलेंस फिर से 100 रुपये कम दिखाएगा कंपेयर टू कैश बुक। क्योंकि हमने बोला ना, हर लाइन को हमें एक नई एंट्री की तरह सोचना है, पुराने 60 को भूल जाइए। अब सिर्फ हम 100 की बात करें तो पासबुक में 100 का बैलेंस कम होगा।
क्योंकि बैंक को तो मालूम है ना, पासबुक की एंट्री बैंक ही करता है, और बैंक को मालूम है कि मैंने 100 रुपये काटे। अभी कैश बुक वाले अकाउंटेंट को नहीं पता कि बैंक ने 100 रुपये काटे, ठीक है। तो इस बार भी पासबुक की एंट्री, मतलब पासबुक की वैल्यू कम होगी कंपेयर टू कैश बुक, और कम होगा मतलब माइनस, इसीलिए ये जो 100 की एंट्री है हमने माइनस कह रही है। अब हमें क्या करना है देखिए, चलिए अब हमें क्या करना है, इन सबको ऐड करना है। -8 और -2 हो गए -10,000। -10,000 में आप ऐड करेंगे -60 और -100, यानी कि -160, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो -160 आ गया, और ऊपर वाले दो को ऐड करेंगे तो -10,000। -10,000 में -160 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, -10,160। तो राइट साइड आपका आ गया -10,160। लेफ्ट साइड कितना है, प्लस में, ये तो सारा हमने माइनस का हिसाब रखा अभी ना, तो प्लस में क्या हिसाब है, प्लस में बस एक ही एंट्री है, और वो क्या है, वो है 800, वो भी प्लस का 800। तो हम क्या करेंगे, -10,160 में +800 को हम ऐड कर देंगे, तो -10,060 में से अगर आप 800 माइनस करते हैं तो वैल्यू क्या मिलेगी, वो मिलेगी -93, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है ना, तो 10,160 में से हम 800 माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 9360 आएगी, और उसके बाद क्या होगा, जो बड़ा है उसी का साइन लगेगा, तो 10,000 और 800 में 10,000 बड़ा है तो इसलिए माइनस का साइन लगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा बैलेंस एज पर पासबुक, और लिखा है ना ओवरड्राफ्ट, ओडी क्यों लिखा है, क्योंकि माइनस का बैलेंस आया, ठीक है, जिसको हम अनफेवरेबल बैलेंस बोलेंगे, अनफेवरेबल बैलेंस। तो आंसर क्या हो गया, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक बैलेंस कितना आ गया, 9360। तो यही हमारे को पूछते हैं ना कि कैश बुक बैलेंस दिया है, पासबुक आपको बताना है, और इसी तरह से आपको इस तरह से मतलब स्टेटमेंट लिखना, मतलब सारी वैल्यूज पर्टिकुलर्स, डेबिट और क्रेडिट का जो भी आप लिखते हैं, सॉरी प्लस और माइनस जो भी लिखते हैं, तो स्टेटमेंट के तौर पर लिखना, वही हो गया हमारा प्रिपेयर बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको मालूम हो गया कैसे आता है, कैश बुक का दिया रहेगा और पासबुक का पूछेंगे, और ये प्लस माइनस का मैंने आपको बताया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि उनको प्लस माइनस का थोड़ा कंफ्यूजन था, तो इसीलिए मैंने ये आपके मॉक टेस्ट में येलो क्वेश्चन रखा है, और आने वाले पार्ट में मैं आपको ऐसा एक और क्वेश्चन शायद कराऊंगी, एक या दो क्वेश्चन, ताकि आपका ये जो कंसेप्ट है थोड़ा बहुत भी कि प्लस माइनस में क्या कंफ्यूजन है वो बिल्कुल दूर हो जाएगा, ठीक है। और वैसे भी इसके भी हम 10-12 पार्ट तो करने वाले हैं, ये मॉक टेस्ट के सीरीज के 10-12 पार्ट होंगे, तो आप लोगों के लिए अच्छा है कि अच्छे से जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। चलिए इसका आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, और ऐसे क्वेश्चन आपको आने वाली वीडियोज़ में और करवाऊंगी, भी ये रिकंसिलेशन और जो पासबुक वाले क्वेश्चन भी खत्म नहीं हुए, भी और भी आएंगे आने वाली वीडियोज़ में, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिए, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।